पाकिस्तान एग्रो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी अ चेंजिंग लैंडस्केप वन जब हम पाकिस्तान के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं स्पेशल वेरिएशन एंड टेम्पोरल वेरिएशन जब हम कहते हैं स्पेशल वेरिएशन तो इट बेसिकली रेफर्स द चेंज इन टलिटी एंड स्लोप एंड अदर फैक्टर्स अक्रॉस डिफरेंट रीजनस फिर जब आप टेम्पोरल वेरिएशन की बात करते हो तो इन रीजन में भी आप कह लें देयर इज वेरिएशन इन टेम्परेचर मॉइस्चर स्लो मॉइस्चर ओवर टाइम इन अ पर्टिकुलर लोकेलेटी जब ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं विद रेफरेंस टू तो स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएशन तो यहाँ पे जो आपकी लैंड यूजेज है और एग्रीकल्चर लाइवलीहुड ये भी चेंज होगी विद द चेंज इन टेचर मॉइस्चर एंड अदर फैक्टर्स इट माइट बी पॉसिबलर लैंड एरिया इज सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूटिटेबल एंड इज नॉट सुब प्रोड्यूस एंड कॉटन फिर इसी पैटर्न पे, पे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बात करते हैं तो पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड इन टू नाइन जोन वो नाइन जोन हम करेंगे डिविजन होगी उनकी ऑन जियोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशन की बेस पे फिर यहाँ पे रोल आएगा फार्मिंग सिस्टमेशन ऑफ क्रॉप होगी इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सीज़न। जब आप जियोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करोगे तो यहाँ पे बिसाइड दीज वेरिएबल एक और जो वेरिएबल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा दैट इज अबाउट सोर्स ऑफ इरीगेशन जी सरफेस्ड वाटर यूज ओर एफ टू कैरी आउट इरीगेशन आर ग्राउंड वाटर इज बिंग यूज टू कैरी आउट इरीगेशन फिर जब आप फार्मिंग सिस्टम की बात करोगे एंड प्रैक्टिस की बात करोगे तो यहाँ में रोल आएगा कि वो वो क्लाइमेटिक वो कंडीशन किस तरह की क्रॉप फार्मर को परमिट कर रही है टू ग्रो के जी अगर आप, आप कह लें जब हम बात करते हैं कॉटन वीट जोन की तो वहां पे ड्यूरिंग खरीफ सीजन आप कह लें कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है और अभी सीजन में वहां पे वीट की प्रोडक्शन हो रही है फिर इसे जब आप की बात करोगे, तो यहां पे जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है इट वेरिएशन ऑफ सीजन जब आप सीजन की बात करते हो तो हम पाकिस्तान में यूजली दो सीजन की बात करते हैं एक रबी सीजन एक मेरे पास खरीफ सीजन जब आप खरीफ सीजन की बात करते हो 80 80 is it is the time period from april to november is time period mein kya hota hai yahan pe monsoon bhi hoga aur is time yahan pe jo crops aapke paas grow ho rahi hain that is rice and maize cotton फिर इसी pattern पे जब आप रबी की बात करते हो रबी is relatively cooler and drier. और इसका time period होता है from November to April. और यहाँ पे जो आपके पास एक कॉमन फ्रू क्रॉप है दट इज वीट अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज ट्रेंडिशनैलिटीज पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग नाइन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स उसमें आपके पास बरानी पंजाब है मिक्स्ड पंजाब है आपके पास लो इंटेंसिटी पंजाब है राइस वीट पंजाब है कॉटन वीट पंजाब है फिर ये कॉटन वीट वाला सिस्टम सिंध में भी आप लें एग्जिस्ट करता है राइस अलोंग अदर सिंध है फिर साउदर्न केपी के एंडल्स प्लेन ऑफ केपी के हैं और लास्ट में आपके पास बलोचिस्तान है अब अगर हम यहां पर पर्विन, प्रोविंस वाइज प्रोडक्शन की बात करें प्रोडक्शन ऑफ राइस वीट शुगर केन मेज एंड कॉटन ये सारा डेटा जो मैंने लिया दैट इज फ्रॉम द एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान यू कैन गेट दिस डेटा सेट फॉर अदर क्रॉप टू क्या आप यहां पे इसी टेबल को ड्रा कर लो विद रेफरेंस टू फ्रूट्स कोई भी एक फ्रूट ले लें कोई भी वेजिटेबल ले लें कि वो कि इन विच वे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस्ड अक्रॉस डिफरेंट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान अगर हम बात करें राइस की तो आप कह सकते हो ऑलमोस्ट सेवेंटी टू परसेंट राइस इन ईयर 2021 टू इज प्रोड्यूस्ड इन पंजाब और अराउंड ट्वेंटी वन परसेंट इज प्रोड्यूस्ड इन सिंध हम मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं तो मेजर क्रॉप्स में जो आपके पास सिग्निफिकेंट एरिया है दैट एरिया इज अंडर कल्टीवेशन इन पंजाब एंड सिंध कि जब आप यहाँ पे जब आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करोगे मेज के केस में आप कह लें थर्टी परसेंट ऑफ क्रॉप एरिया थर्टी परसेंट ऑफ एरिया कल्टिवेटेड मेज आप कह लें लाइक कर रहा था इन खैबर पख्तूनख्वा और यहां पे आप कह लें सेवेंटी वन परसेंट कहां पे था इन पंजाब फिर इसी पैटर्न पे अगर हम कॉटन की बात करें तो ऑलमोस्ट आप कह लें नाइनटी सिक्स परसेंट कल्टिवेटेड एरिया

अबाउट दीज क्रॉप फॉर दर ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी टू तो हम यहाँ पे भी एक वेरिएशन देख सकते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस व्हीट शुगर केन मेज एंड कॉटन अक्रॉस डिफरेंट प्रोविंस प्रोडक्शन यहाँ पे आपके पास जो रिपोर्ट की जा रही है इट इज इन थाउजेंड और जो आपके पास परसेंटेज शेयर इन प्रोडक्शन है वो इंडिकेट करता है कि प्राइस के केस में

न में भी अराउंड सेवेंटी टू परसेंट इज प्रोड्यूज इन पंजाब एंड ट्वेंटी और कॉटन के केस में सिक्सटी टू परसेंट इज प्रोड्यूज इन पंजाब एंड थर्टी सिक्स परसेंट इज प्रोड्यूज इन सिंध तो ये दो स्टेटिस्टिक्स है ये मुझे एक चीज इंडिकेट कर रहा है कि पंजाब एंड सिंध इज ऑलमोस्ट प्रोड्यूसिंग नाइनटी परसेंट अगर हम इन दोनों प्रोविंसेस की प्रोडक्शन को एग्रीगेट कर लें तो ये जो पंजाब और सिंध है इट इज ऑलमोस्ट प्रोड्यूसिंग 90% परसेंट ऑफ राइस व्हीट शुगर केन मेज एंड कॉटन इन पाकिस्तान इवन अगर हम अगर कॉटन की बात करें तो आप कह सकते हो अराउंड 98% परसेंट कॉटन इज प्रोड्यूस्ड इन पंजाब एंड सिंध लेकिन जब आप लेकिन अब यहाँ पे हम इस इन टेबल्स की बेस पे हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि रिलेटिवली लेस इन ख़ैबर पखतूनखा एंड बलोचिस्तान क्योंकि हम यहां पे बात करें क्रॉप्स की वीट राइस शुगर केन कॉटन एंड मेज की बिकॉज ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस दैट वेरी अक्रॉस प्रोविंसेस इट माइट बी पॉसिबल खैबर एंड बलोचिस्तान ज मेकिंग प्रोडक्शन ऑफ सम अदर एग्रीकल्चर आउटपुट मोर देन दुट इज प्रोड्यूस एंड हाँ जी क्या हो सकता है मोर क्वान्टिटी ऑफ एप्पल एज कंपेयर टू एप्पल्स प्रोड्यूस्ड इन पंजाब एंड सिंध तो इस सारे आप कह लें ये सारे कंपैरिजन से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन आपके पास जो क्रॉप कल्टीवेट होगी वो चेंज हो जाएगी अब डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर एग्रीकल्चर आउटपुट के जो आपके पास क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वो क्लाइमेटिक कंडीशन प्रमोट करेगी in the production of a particular agricultural output okay, depending upon nature's endowment depending upon the climatic condition farmer will cultivate a crop that suits him to produce under given climatic conditions